जो सोते हैं, हमारी स्लीप जो है वो खासकर हमारे इसमें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तिहाई हम लोग जो समय है वो हम लोग से सोने में निकालते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा यानी कि इसे जागरूक नहीं रहते हैं जैसे होता है, और इसके कारण बहुत सारे नींद से संबंधित रोग हैं जिसके बारे में हम लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग ये वर्ल्ड स्लीप डे है उसका हम आयोजन करते हैं, और ये 18 मार्च को है। आपको ऐसे मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिन जो पहले हमारे जो बहुत लीड आर्टिस्ट थे बप्पीदा, उनका भी निधन स्लीप अपने से हुआ है, जिसमें क्या होता है कि रात में हम लोग जब सांस लेते हैं उसमें अवरोध हो जाता है, और खासकर ये उन लोग को होता है जिनको थोड़ा सा मोटापा रहता है और थोड़ा सा जो गले की जो गुलाई बहुत ज़्यादा रहती है, उनका शॉर्ट साइज 44 से ज़्यादा रहता है, और ऐसे लोगों को ये वाला रोग बहुत ज़्यादा होता है जिसमें लोग रात में सोते हैं तो उनको बहुत जोर जोर से एनर्जी खर्राटे आते हैं, और तो खर्राटे के साथ में उनके श्वास में अवरोध हो जाता है और ऐसे लोग फिर ठीक से सो नहीं पाते, और इसका इफेक्ट फिर उनके इवन जो डे टाइम की जो भी एक्टिविटी है उस पर होता है। और हमने देखा है कि ऐसे लोग जिनको रात में ऐसा होता है स्नोरिंग है ओबेसिटी है, उन लोग क्या करते हैं बैठे बैठे नींद उनको आती है, दिन में भी नींद आती रहती है, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि, और ये बहुत कॉमन है कि खासकर ड्राइविंग करते करते भी दे फॉल असलीप, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे सब लक्षण रहे जिसमें आपको थोड़ा मोटापा है, आपको रात में बहुत ज़्यादा स्नोरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल खर्राटे आते हैं जो कि मुझे बाकी लोग को अफेक्ट करते हैं, और अगर आपको दिन में अधिक नींद आती है तो आपको पक्का स्लीप एपनिया जो कि रोग है उसके आपको बारे में बिल्कुल वो सब सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से बताना चाहिए, क्योंकि इसके फिर गंभीर परिणाम है। अगर आपने ये रोग है उसको ठीक से अगर उसका एड्रेस नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इसके गंभीर ऐसा परिणाम है जो कि हार्ट पे अफेक्ट करते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो डायबिटीज़ भी बिल्कुल उनके इफेक्ट इस कारण हो सकती है, रीनल प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, और अगर इसको बहुत दिन से डायग्नोज नहीं किया और उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इवन रात में बहुत बार ऐसा होता है कि सोते वक्त मौत हो जाती है, क्योंकि वो जो एपनिया मतलब वो जो अवरोध होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अगर सपोज 4 या 5 सेकंड 30 सेकंड तक ठीक है, लेकिन जब ये अलग बहुत गंभीर हो जाता है तो उसमें अवरोध ज़्यादा होने के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। तो क्या है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड स्लीप डे बनाते हैं।